afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Hello everyone, welcome to Car School and please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. और आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं मारुति सुजुकी सेलेरियो ऑटोमेटिक का. सेलेरियो लॉन्च हुई थी 2014 में और अभी तक कंटिन्यू है. इसका एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली में स्टार्ट होता है 4.3 लाख से और जाता है 5.4 लाख तक. और ये आप सेलेरियो का ऑटोमेटिक में टॉप मॉडल देख रहे हैं. सेफ्टी की हम बात करें तो सेफ्टी के अंदर हमें इसमें मिल जाते हैं ABS, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग, रियर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, साइड एंड फ्रंट इम्पैक्ट बीम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर्स, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, चेक इंजन वार्निंग और प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर्स. ये जो आप कार देख रहे हैं 2018 मॉडल है, ZXi ऑटो गियर शिफ्ट है इसके अंदर. और ये कार टोटल 11,000 किलोमीटर्स चली है और कार के अंदर अभी तक कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है. कार की सिर्फ सर्विसिंग हुई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कार काफ़ी अच्छी कंडीशन में है. ये है इसकी स्टाइलिश लुकिंग हेलोजन हेडलैम्प, सुजुकी का लोगो. और बाकी ये कार चलने में कैसी है वो हम आपको ड्राइव करके बताएंगे. तो उसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, तो उसे भी जरूर देखें. और इसमें हमें फॉग लैंप नहीं मिलती हैं. इसमें हमें आगे डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और 14 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं हमें इसके अंदर. ये है इसके टायर का साइज. और बॉडी रोल की बात करें तो हमें इसके अंदर वैगनआर से काफ़ी कम बॉडी रोल मिलता है. और ये हैं इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होंगे ये. और बॉडी कलर्ड में है ये FM एंटीना और रूफ. तो कार जो है वो काफ़ी स्टाइलिश लगती है देखने में और इंटीरियर भी हमें इसका काफ़ी अच्छा मिल जाता है. कुछ है, ऐसी दिखती है कार पीछे से. यह है इसकी स्टाइलिश लुकिंग हेलोजन टेल लैंप. मारुति सुजुकी की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, सेलेरियो की बैजिंग और ये ZXi ऑटो गियर शिफ्ट की बैजिंग. पीछे हमें वाइपर मिल जाएगा, रियर डिफोगर्स और ये है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप. और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें इसके अंदर मिल जाती है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस. और कर्व वेट हमें इसके अंदर मिलता है 850 kg का. तो चलिए फिर अब इसका बूट खोल के देखते हैं. तो कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट. और बूट स्पेस की बात करें तो हमें इसके अंदर मिल जाता है 235 liter का बूट स्पेस. और ये डिक्की हैंडल, तो बूट स्पेस जो है वो हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसके अंदर. ये लगेज ट्रे है और हुक मिल जाएंगे पीछे सामान हैंग करने के लिए. लगेज ट्रे और यहाँ पे है इसका स्पेयर टायर और टूल्स भी यहीं पे हैं. तो चलिए फिर अब आपको इसका बोनेट खोल के दिखाते हैं और दिखाते हैं इंजन कैसी कंडीशन में है 11,000 किलोमीटर्स के बाद. तो कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन. इसमें हमें मिल जाता है 3 सिलेंडर 1000 cc का K सीरीज पेट्रोल इंजन
जो कि जनरेट करता है 67 bhp की पावर और 90 nm का टॉर्क और 35 लीटर के फ्यूल टैंक से यह हमें माइलेज देती है 17 से 22 के बीच में। और जैसा कि आप देख सकते हैं इंजन जो है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। सेम यही इंजन हमें वैगनआर और ऑल्टो K10 में मिल जाता है और काफ़ी फेमस इंजन है ये मारुति का, ये सुजुकी की बैजिंग। और इंजन पे कोई भी लीकेज वगैरह नहीं है, कार को एक साल हो चुका है और सिर्फ सर्विसिंग हुई है। तो अब आपको इसके इंजन की साउंड सुना देते हैं। स्टार्ट नहीं हो रही है, ब्रेक दबाना पड़ेगा उसके बाद स्टार्ट होगी। तो चलिए अब आपको इसके इंजन की साउंड सुना देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है इंजन के अंदर और हल्की मुल्की वाइब्रेशन है इंजन में। 3-सिलेंडर इंजन है तो इतना तो होना आम है। तो चलिए अब इसका ड्राइवर साइड डोर दिखा देते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर और इसके अंदर हमें ड्यूल टोन इंटीरियर मिल जाता है। ये हैं इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स, लॉक अनलॉक हैंडल, ये ORVM के कंट्रोल्स और ये हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स, डोर हैंडल, आर्म रेस्ट, इधर मिल जाएगा थोड़ा सा स्पेस और स्पीकर। कुछ ऐसी दिखती है कार अंदर से। ये है इसका सीट एडजस्टर, पेडल्स और यहां से खुलेगा बोनेट, ये लाइट के कंट्रोल्स, थोड़ा सा स्पेस, एसी वेंट और यहां से खुलेगी इसकी फ्यूल लिड। और इसके मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल मेंटेनेंस है बिल्कुल। यह है इसकी फ्यूल लिड। और सर्विस कॉस्ट की बात करें तो सर्विस कॉस्ट इसका आ जाता है 2000 से 3000 के बीच में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड, सुजुकी का लोगो, SRS एयरबैग की बैजिंग और यहां मिल जाते हैं हमें ब्लूटूथ के कंट्रोल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टीरियो ब्लूटूथ पे हो गया और ये हैं वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल्स। एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा टिल्ट फंक्शन के साथ, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। ये हैं वाइपर के कंट्रोल्स और लाइट के कंट्रोल्स। कुछ ऐसा दिखता है इसका अट्रैक्टिव लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी अच्छा लगता है देखने में। इसमें हमें शो करता है RPM, स्पीड और ये है इसकी MID और बाकी की वार्निंग लाइट्स हैं। तो MID के अंदर हमें शो करता है टोटल किलोमीटर्स, किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, रेंज, एवरेज और टेम्परेचर शो करेगा, टाइम शो करेगा, फ्यूल शो करेगा। और इस साइड से हमें शो करता है ट्रिप ए और ट्रिप बी और इसके अंदर गियर इंडिकेशन भी शो करता है। ये है AC वेंट, हैजर्ड लाइट का स्विच और ये है इसका कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम। इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है FM, USB, AUX, CD और ब्लूटूथ का। तो चलिए अब आपको इसकी साउंड सुना देते हैं, कैसी साउंड है इसकी। तो स्पीकर्स की जो साउंड है वो काफी अच्छी है और ये है इसके AC के कंट्रोल्स, ऑन ऑफ का स्विच, ये ब्लोअर के कंट्रोल्स
और ये हैं बाकी के एसी के कंट्रोल्स। इधर हमें मिल जाता है यूएसबी और ऑक्स, और ये है 12V का चार्जिंग सॉकेट। नीचे में मिल जाएगा थोड़ा सा स्पेस, और ये है इसका 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल का ऑप्शन भी मिल जाता है हमें इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब फर्स्ट मैनुअल गियर में है ये, और यहाँ पे ऑटोमेटिक चलेगी है जैसे कि अब रिवर्स में लग चुकी है, और अब जो है ये न्यूट्रल में है, और अब ड्राइव मोड में आ गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके गियर चेंज हो जाते हैं। ये दो कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें बोतल होल्डर। ग्लब बॉक्स के अंदर हमें ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, कुछ ऐसा दिखता है पैसेंजर साइड डोर, ग्रैब हैंडल्स, और पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ये रीडिंग लाइट्स। ड्राइवर साइड में हमें कार्ड होल्डर मिल जाता है। तो चलिए अब पीछे चलते हैं और पीछे से दिखाते हैं गाड़ी कैसी है। तो पहले इसकी सीट जो है वो थोड़ी आगे कर लेते हैं क्योंकि हमने ज़्यादा पीछे कर ली थी वीडियो बनाने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ऐसा दिखता है इसका पैसेंजर साइड डोर, लॉक अनलॉक हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल्स, डोर हैंडल और आर्मरेस्ट, थोड़ा सा स्पेस। पीछे हमें बोतल होल्डर भी मिल जाता है, स्पीकर, और कुछ ऐसी दिखती है कार अंदर से। और यह है इसकी आफ्टर मार्केट पीच कलर की लेदर अपॉल्स्ट्री। तो अंदर हम लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस जो है हमें अंदर ठीक ठाक मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड, सीट पॉकेट्स, ये बोतल होल्डर, पैसेंजर साइड डोर, ग्रैब हैंडल्स, और एक ग्रैब हैंडल हमें इधर भी मिल जाएगा, और हेडरेस्ट जो है हमें पीछे फिक्स मिलते हैं, और स्प्लिट सीट मिलती है हमें पीछे, ये बूट। तो गाइज इतनी ही थी आज की वीडियो, और उसकी जो टेस्ट ड्राइव की वीडियो है वो नेक्स्ट आने वाली है तो उसको भी जरूर देखें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।